मैक्रो का जवाब, पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर विवाद। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच ट्विटर पर बहस चल रही है। इमरान खान ने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रो रेसिज्म और ध्रुवीकरण हटाने की बजाय अतिवादियों को हीलिंग टच और अस्वीकृत स्थान देने में लगे हैं, जो निश्चित रूप से उनकी कट्टरवादी सोच को दिखाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मैक्रो हिंसा करने वाले आतंकवादियों के बजाय इस्लाम पर हमला करने वाले इस्लामोफोबिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति मैक्रो ने इस्लाम और इस्लाम के रहनुमा पैगंबर साहब को निशाना बनाने वाले कार्टून के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया और जानबूझकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लाम की कोई समझ नहीं है, फिर भी उन्होंने इस पर हमला करके यूरोप और दुनिया भर के लाखों मुसलमानों की भावनाओं पर हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाई। इमरान खान के ट्वीट का जवाब देते हुए मैक्रो ने कहा कि हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे, हम शांति की भावना से सभी मतभेदों का सम्मान करते हैं, हम अभद्र भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं और तर्कसंगत बहस का बचाव करते हैं, हम हमेशा मानवीय गरिमा और सार्वभौमिक मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे। बता दें कि फ्रांस में एक शिक्षक ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बताते हुए पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखा दिया था, जिसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके जवाब में फ्रांस के कुछ लोगों ने उसी कार्टून को सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया था और वहां की सरकार ने उसे समर्थन दिया था। इसी मुद्दे पर फ्रांस और कुछ आतंकी देशों के बीच तकरार जारी है। स्पेशल डेस्क, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।